नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाल मूली। लाल मूली की कुछ जानकारियाँ। अगर आप सफ़ेद मूली से ऊब चुके हैं तो आप अपने बगीचे या खेत में लाल रंग की मूली लगा सकते हैं, जो सिर्फ़ आपको 25 दिन के अंदर ही अच्छी पैदावार दे देगी। हम कुछ पॉइंट में आपको बता देते हैं कि इसे कैसे उगाएं। जिस तरीके से हमने यहाँ लगाई है वो तरीका हम आपको बता देते हैं। लाल मूली के लिए जीवाश्म युक्त मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में इसका अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। नंबर दो है, लाल मूली एक सर्द मौसम वाली फसल है, जिसकी खेती के लिए सितंबर से लेकर फरवरी का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। नंबर तीन है, इसकी बुवाई से पहले खेत को जैविक विधि से तैयार करना और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद बराबर मात्रा में मिलाकर खेत में फैला दें। इसके बाद गहरी जुताई कर पाटा चला देना चाहिए, जैसे और फिर बाड़ बना देनी चाहिए, जैसे हमने ये बाड़ बना रखी है, देखिए। और फिर इसमें बीज की बुवाई कर दें, आप लाल मूली का स्वाद ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारी मूली आ चुकी है। ये देखिए हम आपको उखाड़ के दिखाते हैं। ये देखिए इसके पत्ते कुछ पीले होते हैं, लंबे होते हैं। ये देखिए ये आपकी लाल मूली। हमने यहाँ पर लाल मूली की दो क्वालिटी लगा रखी है। जो आप पहले देखे थे वो लंबी वाली थी, और ये आप देख रहे हैं ये है गोल वाली लाल मूली। ये देखिए ये भी आ रही है, हम इसको उखाड़ के दिखाते हैं। देखिए ये गोल है और ये थोड़ा इसका साइज छोटा होता है। ये देखिए हमने यहाँ पर दो जगह ये गोल वाली लाल मूली लगा रखी है, और कुछ लंबी वाली लाल मूली ये भी लगी हुई है इधर। ये देखिए वहाँ तक फैली हुई है। अब हम जानेंगे लाल मूली से होने वाले फायदों के बारे में। सब्जी के साथ साथ यह सलाद की शोभा भी बढ़ा देती है। मूली का मीठा और कसेला स्वाद किसे पसंद नहीं है। मूली एक मूली ना होकर ये पोषण से भरपूर होती है। लाल मूली के अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के, इनसे ये भरपूर होती है। साथ ही फाइबर, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, आयरन और मैगजीन से भरपूर मानी जाती है, सॉरी मैगनीज से। कैल्शियम और आयरन से ये भरपूर है, और ये सब पोषक तत्व हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसे खाने से ये हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है और ब्लड सेल्स के लिए ये फायदेमंद होती है। दिल को हेल्दी रखती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, शरीर को ये हाइड्रेशन रखती है, स्किन के लिए ये फायदेमंद होती है, और डायबिटीज़ के जोखिम भी ये कम करती है। इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कुछ इसके नुकसान भी हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से इसे खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। आगे भी आपके लिए ऐसी नई नई जानकारियों से युक्त वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।